अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद कबीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं लेकर आता हूं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। आज जो मैं ट्यूटोरियल लेकर आया हूं, बेसिकली वो है तो बहुत इजी, लेकिन कभी कभी हमें जब एक्सेस देना होता है गूगल एनालिटिक्स पे, गूगल एड्स पे, गूगल सर्च कंसोल पे, गूगल माय बिजनेस पे, या गूगल की और भी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उस पे, तो वो किस तरह से आप देंगे एक्सेस अगर किसी को आपने देना है। और उस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बिग फ्लैग मीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है जो हम काम करते हैं, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ तो ऑब्वियसली मैं काम भी करता हूँ और मेरे पास टीम भी है ये सारी चीज़ें करने के लिए, जिसमें हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, SEO, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग और आपका जो है सोशल मीडिया हो, चाहे PPC हो या गूगल एड्स जिसे हम कहते हैं, प्रिंटिंग एंड ब्रांडिंग, ह्यूमन रिसोर्स, अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए अपने ऑफिस के लिए, अपने डिजिटल टीम के लिए, तो हम वो सारी चीज़ें करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग के अंडर हम करते हैं। तो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट हो, इफ़ यू वॉन्ट टू आउटसोर्स एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट इज़ रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग या वेब डेवलपमेंट, तो आप प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है दैट इज़ bigflagmedia.com, ये बिग फ्लैग मीडिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज सिखाऊंगा कि गूगल सर्च कंसोल पे आपने किस तरह से एक्सेस देना है। गूगल सर्च कंसोल, जहाँ से बेसिकली आपकी वेबसाइट के बारे में जो एरर या वायरस या जो भी आपकी हेल्थ होती है वेबसाइट की, वो पता चलती है। इस पर मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube का जो मेरा चैनल है उसमें आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि Google सर्च कंसोल, या जिसे हम गूगल वेब मास्टर भी कहते हैं, उस पर हम अगर किसी यूज़र को ऐड करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे गूगल सर्च कंसोल में, तो यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस प्रॉपर्टी में एक्सेस देना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने ये bigflagmedia.com जो है मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इस अकाउंट में मैं यूज़र ऐड करना चाहता हूँ। तो अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर, और जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टी की सेटिंग्स है, प्रॉपर्टी की सेटिंग्स में यूज़र एंड परमिशंस पर आप क्लिक करेंगे, और जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर ऐड यूज़र पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी ईमेल एड्रेस है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पर परमिशन आपके ऊपर है कि आप फुल एक्सेस देना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना चाहते हैं। फुल में ये होगा कि वो एडमिन बन जाएगा और दूसरों को ऐड रिमूव भी कर सकता है, रिस्ट्रिक्टेड में ये है कि वो कोई चीज़ ऐड रिमूव नहीं कर सकता, वो सिर्फ रीड एंड एनालाइज कर सकता है। तो सिंपल है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस और यहाँ पर परमिशन ऐड कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से गूगल सर्च कंसोल में आप एक्सेस दे देंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि गूगल माय बिजनेस में आपने किस तरह से एक्सेस देना है। तो गूगल माय बिजनेस जो होता है, बेसिकली वो आपका जो एक काइंड ऑफ डायरेक्टरी है जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और ये गूगल माय बिजनेस का भी मैं एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मेरी वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें एक्सेस अगर किसी को देना है तो आप कैसे देंगे, आपने अगेन यहाँ पे लॉगिन करना है गूगल माय बिजनेस पे, और गूगल माय बिजनेस पे आने के बाद आपने यूज़र्स पे जाना है, और यूज़र्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर ये जो आप एक पुराना जो MSN मैसेंजर था उस जैसा एक यहाँ पे आपको साइन नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इनवाइट करना है आपने न्यू यूज़र को, ठीक है। अगेन वही फॉर्मेट है, यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे और यहाँ से आपने रोल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ओनर जो होता है बेसिकली, अगेन वो इक्वलेंट टू दी ओनर ऑफ दी अकाउंट हो जाएगा। मैनेजर ये है कि वो मैनेज कर सकता है जो भी इसमें रिव्यूज़ और इमेजेस वगैरह ऐड करना, पोस्ट करना, इन्फॉर्मेशन एडिट करना, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है। और जो साइट मैनेजर होता है, जो गूगल के अंदर जो साइट होती है, बेसिकली ये जो वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एक फ्री बिल्डर मिल जाता है, तो वो उस साइट को मैनेज कर सकता है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से रोल सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपने इनवाइट कर देना है। तो फिर जिसको इनवाइट किया है आप उससे बोल दीजिएगा कि आप एक्सेस जो है एक्सेप्ट कर लें, तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो इसके बाद बेसिकली अब जो तीसरी चीज़ है जो मुझे आपको सिखानी है, दैट इज़ द गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाके आपको बेसिकली जब आप लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन करने के बाद ये देख रहे हैं आप, ये छोटा सा ये एक बटन है यहाँ पे, इस पे आपने क्लिक करना है, और इसको जब आप क्लिक करेंगे
तो आपके सामने यहाँ पर अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन से अकाउंट में आप यूज़र को ऐड करना चाहते हैं, ताकि वो गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो भी सेटिंग्स वगैरह हैं चेंज कर सके, या उसका जो डेटा है वो एनालाइज या रीड कर सके। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अकाउंट यूज़र मैनेजमेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगेन आप देखें यहाँ पर एक प्लस साइन है यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे। अब मैंने इस पर क्लिक किया और ऐड यूज़र मैंने किया। जब मैं ऐड यूज़र करूँगा तो यहाँ पे अगेन मुझे ईमेल एड्रेस लिखना है, और अगर आप चाहते हैं कि उस ईमेल एड्रेस को, जिसका वो ईमेल एड्रेस है उसको नोटिफाई हो जाए बाय ईमेल, तो आप इस पर चेक लगे रहने दीजिए, वरना अगर आप इसको हटा देते हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि उसको किसी ने एक्सेस दिया है, तो वो उसको फिर ख़ुद चेक करना पड़ेगा। तो इसको आप लगे रहने दीजिए ताकि पता चल जाए यूज़र को कि वो अब एनालिटिक्स में ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे अगेन परमिशन में एडिट, कोलाबरेट, रीड एंड एनालाइज है। बेसिकली ये क्या है, एडिट का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कैन क्रिएट एंड एडिट प्रॉपर्टीज़, और ये गोल्स वगैरह बना सकता है। बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ की जो होती हैं इसमें वो एडिट कर सकता है, उसमें नई नई वेबसाइट्स ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, इट्स अप टू हिम, ठीक है। फिर इसी तरह से कोलाबरेट है, फिर ये रीड एंड एनालाइज है। तो अगर आप किसी को एक्सेस दे रहे हो तो इट्स अप टू यू, आप उसको कोलाबरेट और रीड एंड एनालाइज का एक्सेस दे दीजिए, और अगर आप मैनेज यूज़र का एक्सेस दे देते हैं तो वो समझ लें कि फिर एडमिन बन जाएगा। तो एडमिन का मतलब ये है कि वो किसी को भी ऐड और रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, और फिर यहाँ से राइट साइड टॉप कॉर्नर पर आपने ऐड कर देना है। तो इस तरह से गूगल एनालिटिक्स पर भी आपका एक्सेस जो है आप दे सकते हैं। और अब जो लास्ट चीज़ है बेसिकली वो है गूगल एड्स। अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उस पर कैसे एक्सेस देना है आपने। तो अब हम गूगल एड्स पे जाके यूज़र को ऐड करेंगे। गूगल एड्स पे अगर आपको एक्सेस देना है तो उसके लिए आपने जाना है ads.google.com पे, और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपके पास ये एक टूल्स एंड सेटिंग का एक ये ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे ये रेंच बना हुआ है अगर आप देख रहे हैं। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें खुल जाती हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हमें बेसिकली यूज़र ऐड करना है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अगर आपको किसी को एक्सेस देना है गूगल एड्स में, ताकि वो कैंपेन्स वगैरह चेक कर सके या ऑन कर सके, पॉज कर सके, या न्यू कैंपेन्स बना सके, न्यू एडवर्टीजमेंट्स बना सके, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटअप के अंडर अकाउंट एक्सेस में। तो यहाँ अकाउंट एक्सेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आप यूज़र ऐड कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन हैं, यूज़र्स, मैनेजर्स और ये सिक्योरिटी सेटिंग्स वगैरह, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जब ऐड करेंगे यहाँ से यूज़र्स में जाके प्लस पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अगेन इस जगह पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है जिसको आप एक्सेस देना चाह रहे हैं। और यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शंस हैं कि ईमेल ओनली, रीड ओनली, स्टैंडर्ड, एडमिन, ठीक है। ईमेल ओनली में सिर्फ क्या होगा कि वो उसको सिर्फ रिपोर्ट्स जो है गूगल एड्स की तरफ से ईमेल होंगी, और वो सिर्फ वो चेक कर सकता है, इसके अलावा और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं होगा। फिर जो रीड ओनली होगा वो जो है जितना भी रिजल्ट्स है वो सारी चीज़ें चेक कर सकता है, उसमें वो बिलिंग वगैरह जो है उसको बिल्कुल भी नहीं देख सकता है ना चेक कर सकता है। तो ये सारी ऑप्शन इसमें हैं, स्टैंडर्ड में सब कुछ आ जाता है, सिवाय के वो किसी यूज़र को ऐड या रिमूव कर सके। और जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ दी एडमिन ऑप्शन, इस पूरा का पूरा अकाउंट उसके कंट्रोल में होगा। तो यहाँ से आपकी अपनी मर्जी है, आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस उसका लिख के और आपने यहाँ पे स्क्रॉल करके सेंड इनविटेशन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप गूगल एड्स पे भी एक्सेस दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली वर्डप्रेस पे आप अगर किसी को एक्सेस देना चाहते हैं तो वर्डप्रेस पे आप किस तरह से एक्सेस दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट अपनी लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने वर्डप्रेस का जो अपना डैशबोर्ड है उसको लॉगिन कर लिया है, और इसमें अगर मुझे किसी को ऐड करना है तो मुझे यहाँ पर बेसिकली आप ये लेफ्ट साइड जो साइड बार आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने आना है यूज़र्स में, और यूज़र्स में आने के बाद आपने ऐड न्यू करना है। जब हम ऐड न्यू करेंगे, ऐड न्यू करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। यूज़र नेम आप जो भी देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कबीर खान, ठीक है, तो ये उसका यूज़र नेम हो जाएगा। ईमेल आप उसका यहाँ पे लिख दीजिए, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अगर उसकी कोई अपनी वेबसाइट है तो आप वो लिख सकते हैं। फिर शो पासवर्ड पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर पासवर्ड लिख सकते हैं, और वो पासवर्ड फिर आपको देना पड़ेगा जिस यूज़र को आपने ऐड किया है।
और ये करने के बाद आपके पास जो ये रोल है, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे। मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ कि सब्सक्राइबर का मतलब ये होता है कि उसे सिर्फ अपडेट्स मिलती रहेंगी, कंट्रीब्यूटर का मतलब ये होता है कि वो बेसिकली पोस्ट्स वगैरह के लिए जो है वो काम कर सकता है, ऑथर जो होता है वो बेसिकली पेजेस और आर्काइव्स बना सकता है, एडिटर जो है वो ये सारी चीज़ें एडिट और रिमूव कर सकता है प्लगइन्स वगैरह, और जो एडमिन होता है वो बेसिकली यूज़र्स को ऐड एंड रिमूव कर सकता है, और इसके साथ साथ वो ये सारी चीज़ें जो ये दूसरे कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, ऑथर एंड एडिटर कर सकते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। तो कभी भी आपको वर्डप्रेस पे किसी को एक्सेस देना हो तो आप इस तरह से दे सकते हैं, और आप अगर देखना चाहें कि कौन कौन से यूज़र्स ऐड हैं तो यहाँ पर यूज़र्स के ही सेक्शन में आप आएंगे और यहाँ पर ऑल यूज़र्स पर आप क्लिक करेंगे। तो जब आप ऑल यूज़र्स पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस वक्त सिर्फ मेरा ही एक यूज़र है तो आ रहा है, वरना यहाँ पर आ रहा है। अगर आपको रिमूव करना है तो इसी तरह से जो भी यहाँ पे यूज़र होगा आपको उसको आपने चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट के बाद यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आज का ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने गूगल की प्रोडक्ट्स पे आपको एक्सेस देना सिखाया, वर्डप्रेस पे एक्सेस देना। तो अगर आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।